हेलो दोस्तों, मेरा नाम है बिनय और आप लोग देख रहे हो बिनय टेक। तो मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ हाउ टू फिल पेंशनर लाइफ सर्टिफिकेट फॉर्म ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा। आप लोग बैंक ऑफ बड़ौदा का पेंशनर लाइफ सर्टिफिकेट फॉर्म कैसे भर सकते हो, मैं आप लोग को फुल डिटेल में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग देख सकते हो ये रहा बैंक ऑफ बड़ौदा का लाइफ सर्टिफिकेट फॉर्म और आप लोग ये फॉर्म इजीली भर सकते हो। मैं ये फॉर्म भर के आप लोग को दिखाऊंगा। तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा और आप लोग को पता चल जाएगा कैसे आप लोग को बीओबी का पेंशनर लाइफ सर्टिफिकेट फॉर्म भर सकते हो। तो चलिए फॉर्म भरना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हिंदी में दिया गया है और इंग्लिश में दिया गया है। आप लोग जो भी लैंग्वेज से भरना चाहते हो आप लोग यहाँ पे भर सकते हो। डिफाइट दैट आई हैव सीन द स्टाफ पेंशनर सेल्फ या फैमिली जो भी है यहाँ पे आप लोग को टिक करना है। अगर आप लोग सेल्फ ले रहे हो तो यहाँ पे सेल्फ पे टिक करना है। अगर आपका कोई फैमिली मेंबर ले रहा है लाइक स्पाउस या फिर वाइफ या फिर हस्बैंड तो यहाँ पे आप लोग को फैमिली पे टिक करना है। तो मैं यहाँ पे सेल्फ पे टिक कर रहा हूँ और फिर और श्री श्रीमती जो भी है यहाँ पे आप लोग को टिक करना है। हैविंग इसी नंबर जो भी इसी नंबर है यहाँ पे आप लोग को लिखना है एंड दैट ही और सी इज अलाइव ऑन दिस डेट। ठीक है, फिर यहाँ पे प्लेस का नाम लिखना है, फिर डेट लिखना है और यहाँ पे ब्रांच ऑफिशियल सिग्नेचर करेगा और सील देगा ऑफिशियल। ठीक है, तो ये पार्ट आप लोगों को स्किप कर देना है। फिर सर्टिफिकेट ऑफ नॉन रीमैरिज और नॉन मैरिज, ठीक है, टू द ब्रांच मैनेजर बैंक ऑफ बड़ौदा, यहाँ पे ब्रांच का नाम लिखना है। डियर सर आई हियर बाय डिक्लेयर दैट आई एम नॉट मैरिड। तो मैं यहाँ पे ये वाला टिक कर रहा हूँ अगर आप लोग मैरिड नहीं किए हो। अगर आप लोग मैरिड किए हो पास्ट सिक्स मंथ में देन यहाँ पे आप लोग को टिक करना है। फिर सर्टिफिकेट ऑफ नॉन एम्प्लॉयमेंट और री एम्प्लॉयमेंट, यहाँ ये जो पार्ट है अगर आप लोग नौकरी नहीं करते हो रिटायरमेंट के बाद देन यहाँ पे आप लोग को टिक करना है। और अगर आप लोग नौकरी करते हो तो यहाँ पे ऑफिस का नाम, कब से आप लोग काम कर रहे हो ये सब आप लोग को देना पड़ेगा और फिर यहाँ पे आप लोग को सिग्नेचर करना है। फिर यहाँ पे एड्रेस लिखना है, फिर फोन नंबर, फिर डेट लिखना है, फिर प्लेस का नाम लिखना है और यहाँ पे आप लोग को सिग्नेचर करना है। फिर विटनेस का सिग्नेचर, फिर नेम, एड्रेस, विटनेस का, मोबाइल नंबर, डेट, प्लेस यहाँ पे आप लोग को लिख देना है। तो इस तरह आप लोग बैंक ऑफ बड़ौदा का लाइफ सर्टिफिकेट फॉर्म इजिली भर सकते हो। तो अगर आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा प्लीज टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल बिना टेक। थैंक यू।